बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम बैक विद अनदर वीडियो। और आज की वीडियो का टॉपिक अगेन आपका यूनिवर्सिटी के रिलेटेड है। मुझे क्वेश्चंस आए थे कि यूनिवर्सिटी के बारे में बताएं कि वहाँ पे स्टडी सिस्टम यहाँ पे कैसा है, स्पेशली मास्टर्स के लिए और बैचलर्स के लिए स्टडी सिस्टम कैसा है, एग्ज़ाम्स कैसे होते हैं, ऑनलाइन होते हैं, फिज़िकल होते हैं, असाइनमेंट्स होती हैं कि नहीं होती। तो इस तरह के सारे क्वेश्चंस हैं। आज की वीडियो सारी इस बारे में है। वीडियो आपने एंड तक देखनी है तो आपको सारी डिटेल जो है मैं बताऊंगा, जितना मेरा एक्सपीरियंस रह चुका है मैं उसके बारे में बताऊंगा, उससे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अगर किसी को पता है तो मुझे बता दे, तो जितनी मुझे इन्फॉर्मेशन होगी मैं उसके बारे में बताऊंगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगेन, अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके अपनी राय का इजहार भी कीजिएगा। तो कहीं पर बैठते हैं, ये अगेन मेरी फेवरेट जगह, हमारे घर के नज़दीक ना एक पार्क है, तो यहाँ पे यार लोकेशन अच्छी आ जाती है, वीडियो भी अच्छी आ जाती है, तो इसलिए मैं यहाँ पे आके बनाता हूँ। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे खामोशी होती है, इतना ज़्यादा शोर नहीं होता, तो वीडियो जो है सुकून से बनती है। तो मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ, कहीं पे बैठता हूँ, तो स्टार्ट करते हैं जी। ओके जी, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है कि यहाँ पे स्टडी सिस्टम कैसा है। स्टडी सिस्टम का ये हिसाब है यार, मैं मास्टर्स की बात करूँगा, बैचलर्स का भी ऑलमोस्ट सेम ही होगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी लेवल की बेसिकली बात करूँगा। मुझे कॉलेज का और जो उससे नीचे वाले है स्टूडेंट्स को उससे कंसर्न भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आते ही बैचलर्स मास्टर्स के लिए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। ओके, तो स्टडी का कुछ ये सीन है कि यहाँ पर मिक्स आपका जो है वो सिस्टम होता है। सबसे पहले ऑनलाइन की बात करते हैं, तो ऑनलाइन था लेकिन अब ये बिल्कुल ऑफलाइन हो चुका है, ठीक है, मतलब टोटल फिज़िकली अब आपकी क्लासेस होती हैं। जब मैं आया था जनवरी 2022 इनटेक में, तब मेरा जो तकरीबन 90% काम था या 80% काम था वो ऑनलाइन था, मतलब मेरे जितने भी टॉट लेक्चर थे, जितने भी लेक्चर्स थे जिनमें मतलब वो सिर्फ पढ़ाते हैं, वो सारा ऑनलाइन होता था। और जो मेरा प्रैक्टिकल वर्क था वो सारा मेरा कैंपस में था। उससे पहले ऑब्वियसली कोविड की वजह से जो है वो तो टोटली ऑनलाइन था, तो कैंपसेस बंद थे। फिर उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता कैंपसेस खोलना शुरू किए, 50% वो ऑनलाइन करवाते थे, 50% वो जो है वो कैंपस में करवाते, इस तरह उन्होंने मैनेज किया। अब ये सीन है सितंबर के इनटेक में और आने वाले जितने भी इनटेक्स हैं, टोटली 100% अब आपका कैंपस में है, तो आपकी जितनी भी क्लासेज होंगी वो अब आपकी कैंपस में होंगी। पहले मेरे 3 दिन क्लासेज होती थी, 2 दिन ऑफलाइन, सॉरी 2 दिन ऑनलाइन जूम पे, और 1 दिन जो है वो कैंपस, मुझे 1 दिन जाना पड़ता था। अब 3 दिन मुझे जाना पड़ेगा, मेरी यूनिवर्सिटी भी 3 दिन हो गई है, तो ये सीन है। दूसरा, अब यहाँ पे सीन कुछ इस तरह से है, स्टडी आपको इस तरह से कुछ करवाते हैं कि आपको रटा सिस्टम नहीं है, क्योंकि हम लोग आदत होते हैं रटा सिस्टम में पढ़ने की, शुरू से ही हमें वो 6-4 क्वेश्चन रटा दिए गए होते, 1 चैप्टर रट लिए हमने, 2 चैप्टर रट लिए, 3 चैप्टर रट लिए, उनमें से पेपर आ गया, ये क्वेश्चन फलाने फलाने, इस तरह से। यहाँ पे ऐसा सीन नहीं होता, यहाँ पे आपको टोटली वो आपका जो है 100% जो काम होता है वो प्रैक्टिकल बेस होता है। आपको जितना वो पढ़ाते हैं उतना ही वो काम भी आपसे करवाते हैं, वो आपको समझाते हैं कि भाई ये इस तरह से सीन है। अभी मैं आपको एग्जांपल दूंगा, अभी ये जिस मैं पार्क में हूँ ये इसे के एग्जांपल दूंगा। एक दिन मैं यहाँ पे आया था, छोटे छोटे बच्चे थे, बिल्कुल आई थिंक वो केजी के बच्चे होंगे, नर्सरी प्रेप के जो होते हैं, छोटे छोटे बच्चे थे, और उनके साथ उनकी टीचर्स थी, उनके हाथ में एक पेज था और उसके ऊपर वो पिक्चर्स बनी हुई थी फ्लावर्स की, तो टीचर्स उनको समझा रही थी कि ये जो फ्लावर्स ढूंढोगे ये वाला फ्लावर यहाँ पे आपको कहाँ मिलेगा। सो इस तरह से ये जो है यहाँ पे आपको एजुकेशन सिस्टम इनका इस तरह से है यहाँ। तो अब आपके ऑन जितने भी आपके लेक्चर्स होते हैं वो आपको पढ़ाते हैं, आपके कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करवाते हैं, मतलब एक कोई भी कि कोई टॉपिक है उसका आपको कॉन्सेप्ट समझाएंगे कि ये इसका कॉन्सेप्ट है। तो फिर आती है बारी एग्ज़ाम्स की, तो एग्ज़ाम्स यहाँ पे इस तरह से होते हैं कि पेपर बेस्ड भी होता है, लाइक MCQs हो गए या क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हो गया, और दूसरा जो है असाइनमेंट्स बेस्ड होता है। ये टोटली डिपेंड करता है आपके टीचर्स पे कि वो आपके मॉड्यूल पे या आपके टीचर्स पे वो आपकी असेसमेंट किस बेस पे करना चाहते हैं। तो कुछ टीचर्स जो है वो आपसे पेपर ले सकते हैं, एग्ज़ाम्स ले सकते हैं, जैसे मेरा लास्ट टाइम एक पेपर, एक जो सब्जेक्ट था उसमें मेरा 60% जो था वो पेपर हुए थे, एग्ज़ाम हुआ था ऑनलाइन, मेरा पेपर हुआ था, और वो पेपर भी टोटली ओपन बुक पेपर था। ओपन बुक का मतलब ये होता है कि आपको इन शॉर्ट कहूँ तो चीटिंग की इजाज़त होती है, जहाँ से मर्जी देख के करो, ठीक है, ये सीन है। वो ओपन बुक पेपर था, उसका एक लिमिटेड टाइम होता है, इस टाइम में आपने करना है और जहाँ से मर्जी देख के करो, कोई ऐसा स्ट्रिक्टनेस नहीं था, कैमरे के आगे बैठना है या ये कुछ भी नहीं था, ठीक है।
तो मास्टर्स लेवल है तो ऑब्वियसली ओपन बुक पेपर ऑब्वियस ही बात है कि ओपन बुक पेपर में आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाता है, आप उसके बारे में सर्च करो और वो आप कहीं से भी देख के कर सकते हो। ये सीन हो सकता है, या फिर आपका एमसीक्यू बेस्ड जो है वो होता है, पेपर होता है, और उसमें भी सिंपल सीधी डेफिनेशंस नहीं होती। अगर आपका मैथ्स है तो हो सकता है सॉल्विंग वाले क्वेश्चंस हो, क्योंकि हमारी कोडिंग है तो कोडिंग में भी आपके कोड्स उन्होंने दिए होंगे, उनको ठीक करना होगा, उनमें एरर फाइंड करने होंगे, या इस तरह से चीज़ें जो होती हैं वो होती हैं। मतलब सीधे पेपर नहीं होते कि दिस इज़ कॉल्ड दिस, सिंपल डेफिनेशन, इस तरह से चीज़ें नहीं होती, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं असाइनमेंट्स। फिर आपके पास जो कुछ चीज़ें वो आपकी असेसमेंट असाइनमेंट बेस पे करते हैं, जैसे मेरे दो सब्जेक्ट उनकी टोटली असेसमेंट जो है वो असाइनमेंट बेस हुई थी, तो उसमें कुछ परसेंटेज मार्क्स की जो है वो असाइनमेंट्स को दे देते हैं और आपने जो है असाइनमेंट कम्प्लीट करनी होती है। अगेन वो असाइनमेंट इस तरह से नहीं है कि जैसे हमने पहले किया होता है कि कॉपी पेस्ट छापा किया और जो डन, नहीं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो रोला होता है ना वो प्लेजरिज्म का होता है, कि अगर आपका प्लेजरिज्म निकल आया ना तो आपका समझो उड़ गए आप। प्लेजरिज्म नहीं होना चाहिए। अगर आपकी वर्ड्स बेस्ड असाइनमेंट है, जो कि यूजुअली जो मैनेजमेंट वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं, बिजनेस वाले, उनकी वर्ड बेस्ड असाइनमेंट, मतलब इतने वर्ड्स की आपने असाइनमेंट लिखनी है, तो उसमें ज़्यादा आपका डर होता है। अब कोडिंग वाले जो होते हैं उनमें इतना ज़्यादा डर नहीं होता कि वो होगा प्लेजरिज्म निकल आएगा, कोडिंग में इतना ज़्यादा चांसेस नहीं होते। तो ये सीन है। अब मेरी ज़्यादा से असाइनमेंट जितनी भी थी वो कोडिंग बेस्ड थी, तो उसमें इतना प्लेजरिज्म का डर नहीं था। लेकिन कोडिंग वो भी इस तरह से होती हैं कि कॉन्सेप्ट आपने यूज़ करने हैं जो उन्होंने आपको पढ़ाए हैं, लेकिन क्वेश्चंस वो इस तरह से दे देते हैं कि मतलब उनका सलूशन आपको इंटरनेट से भी नहीं मिलता। ये सीन होता है। तो इस तरह से होता है यहाँ पे स्टडी का सिस्टम जो है और एग्ज़ाम का सिस्टम। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे स्टडी किस तरह से होती है और एग्ज़ाम जो है किस तरह से होते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, और ये भी नहीं कि बहुत ज़्यादा आसान होता है। आसान इस लिहाज से नहीं है क्योंकि आपको प्रैक्टिकल, हम यूज्ड टू नहीं होते इस तरह के माहौल में पढ़ने के, तो हमें ज़्यादातर टीचर जो है वो चाहते हैं कि स्टूडेंट अपनी इनपुट दे, ठीक है। और आसान इस लिहाज से भी है कि आसान नहीं कहूँगा लेकिन फ़ायदेमंद कहूँगा कि एटलीस्ट आप कुछ ना कुछ सीख लेते हो, जितना भी आप करते हो आप कुछ ना कुछ सीख लेते हो। तो ये था जी यहाँ का स्टडी सिस्टम। आई होप कि मैं थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर सकूँ। ये जल्दी जल्दी मैं एक वीडियो बनाई है, तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी होगी तो कमेंट करके बताएं। और अगर आपके पास भी, अगर आप यूके में हैं या कोई पुराने स्टूडेंट हैं, मेरे से भी ज़्यादा पुराने हैं, तो अगर आपके पास कोई और इन्फॉर्मेशन है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, मैं उसको पिन कर दूंगा और बाकी लोग जो है उसको भी देख सकते हैं। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो थम्स अप दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए सोशल मीडिया है ना, फॉलो करो। अल्लाह हाफिज़।